सबसे पहले शुरुआत करेंगे बीएसई लिमिटेड के बारे में। अगर हम आज के दिन की बात करें तो लगभग 3.5% की तेजी, और वैसे भी देखा जाए तो आज के दिन ये स्टॉक सबसे ज्यादा फोकस पर बना था। उसके पीछे का रीजन है कि आज के दिन इस कंपनी के Q1 के नंबर आने वाले, और इस बार के जो नंबर है इस कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। उसके पीछे का रीजन है कि जिस प्रकार की मोमेंटम स्टॉक में बना हुआ है, अगर आप इसके एक साल की परफॉर्मेंस को देखो तो एक साल में आपको बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। नेट नेट पौने 200% की तेजी, बट ये जो पौने 200% की रैली है सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 से लेकर 2.5 मंथ की रैली, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद ये स्टॉक इस लेवल से लगभग 8 से लेकर 9 मंथ से ये स्टॉक एक बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन में, और ऊपर से स्टॉक आपको अभी 25 से लेकर 26% तक आपको डाउन भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर कंपनी इस बार एक बहुत ही जबरदस्त नंबर दिखा दे तो ये जो स्टॉक एक लंबे कंसोलिडेशन में, ऊपर से जो स्टॉक 25-26% डाउन भी है, तो यहाँ से एक जबरदस्त स्टॉक में आपको बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। और सेम अगर कंपनी ने इस बार एक डिसअपॉइंटिंग एक खराब वाले नंबर दिखा दी तो ऑलरेडी स्टॉक टॉप से 25-26% डाउन है। तो इस कंसोलिडेशन को ब्रेक डाउन देखे स्टॉक में, यहाँ से आपको एक जबरदस्त गिरावट भी देखने को मिल सकता है। डिपेंड करते कंपनी नंबर किस प्रकार के दिखाते हैं। तो क्या कंपनी के नंबर आ चुके? तो यस, बीएसई लिमिटेड कंपनी के नंबर आ चुके हैं। बट अगर हम कंपनी के नंबर की बात करें तो कंपनी के नंबर हमें बाजार क्लोज होने के बाद देखने को मिला, यानी कि आज के दिन स्टॉक में जो 3.5% की जो हमें इस प्रकार की एक अच्छी रैली देखने को मिला, तो इस रैली में नंबर का कोई भी कंपोनेंट है नहीं। इस नंबर के प्रति जो भी बाजार का रिएक्शन है वो आपको कल के दिन देखने को मिलेगा। सो चले हम चलते कंपनी के नंबर के पास। सबसे पहले देखते कंपनी के नंबर कैसे, और ये नंबर हमें कैसे लगे, और इस नंबर के प्रति कल के दिन बाजार में किस प्रकार की रिएक्शन हो सकता है। सबसे पहले हम एक बार सिक्वेंस की बात करें तो ये जून क्वार्टर, मार्च जून, तो सिक्वेंस एकदम ओके ओके चलते हैं कंपनी के इनकम को। तो सबसे पहले टोटल इनकम की बात करें जो कि इस क्वार्टर में 67,434, पिछले क्वार्टर में 54,836, और साल भर पहले 27,118। तो अगर हम इनकम की बात करें तो 27,000 का 67,000, और पिछले क्वार्टर में 54,800 का 67,000। तो कंपनी के जो इनकम है ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस हमें कंपनी के जबरदस्त इनकम देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद बात करते कंपनी के एक्सपेंस की, तो कंपनी के टोटल एक्सपेंस जो कि इस क्वार्टर में 34,770, पिछले क्वार्टर में 41,883, और साल भर पहले 17,344। तो इनकम माइनस एक्सपेंस आ जाते प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट वाले प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि इस क्वार्टर में 32,664, पिछले क्वार्टर में 12,950, और साल भर पहले 9,774। तो देख सकते हो कि बिना किसी एडजस्टमेंट वाले प्रॉफिट ईयरली भी कमाल किए, क्वार्टरली भी बहुत ही कमाल किया हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको बताया कि ढेरों सारे हमें एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा, जो कि एक एडजस्टमेंट आपको पिछले साल के क्वार्टर में देखने को मिलेगा 40,662 इस वाले नंबर को। तो ये एडजस्टमेंट होने के बाद कंपनी के ईयरली बेसिस नंबर आपको आगे शायद से डाउन भी देखने को मिल सकता है। बट अगर हम कंपनी के बिना किसी एडजस्टमेंट वाले प्रॉफिट की बात करें तो हमें ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहा है। फाइनल नेट प्रॉफिट की बात करें जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि आप देख सकते हो कि इस क्वार्टर में 26,429, पिछले क्वार्टर में 10,689, और साल भर पहले 44,000। और ये 44,000 इसलिए क्योंकि इसमें पिछले साल हमें बहुत बड़े अदर इनकम का एडजस्टमेंट देखने को मिला था जो कि 40,600 के भी ऊपर। तो इसी को एडजस्ट करने के चलते कंपनी के पिछले जून क्वार्टर के नंबर पिछले साल के नंबर आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अभी अगर आप कंपेयर करोगे नेट प्रॉफिट तो ईयरली आपको डाउन देखने को मिलेगा 44 का 26, बट क्वार्टरली आपको अभी भी कमाल की ग्रोथ देखने को मिलेगा। बट अगर आप ईपीएस को देखोगे तो ईपीएस में सारे चीज आपको क्लियर देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो कि दो ईपीएस है, एक तो जो एक्सेप्शनल आइटम है जो कि पिछले साल में ऐड किए गए थे ये वाले ईपीएस, दूसरा एक नॉर्मल बेसिक ईपीएस। तो अगर हम बेसिक ईपीएस को कंसिडर करें तो देख सकते हो कि इस क्वार्टर के जो ईपीएस है 19.30, पिछले क्वार्टर में 7.79, साल भर पहले 5.5। तो 5.5 की ईपीएस 19 के भी ऊपर, और लगभग 7.25 की ईपीएस 19 के भी ऊपर। तो ईयरली क्वार्टरली दोनों बेस पे बीएसई लिमिटेड ने वाकई सबको चौंका डाला, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही कमाल के नंबर पेंट किया। और जो मार्केट के हायर एस्टिमेट थे, मार्केट ये मान के चल रहे थे कि कंपनी के इनकम 588 के आसपास आना चाहिए, जो कि उससे भी ऊपर आया, मतलब 600 करोड़ के ऊपर कंपनी इनकम दिखाए। तो इनकम को भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से बीट किया, और मार्केट ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि इस बार बीएसई के ईपीएस 15 के ऊपर आने चाहिए। कितने? 15 के ऊपर, और दिखाए कितने? 19 के ऊपर। मतलब इनकम से लेकर प्रॉफिट तक जो मार्केट के हायर अनुमान थे, उस हायर एक्सपेक्टेशन को भी बीएसई ने इस बार बहुत ही जबरदस्त तरीके से बीट किया। तो अगर हम कंपनी के नंबर की बात करें तो ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस
लॉन्ग टर्म साथ साथ शॉर्ट टर्म दोनों हिसाब से बीएसएल लिमिटेड ने इस बार बहुत एक इंप्रेसिव और एक बहुत ही धमाकेदार नंबर पेंट किया। तो किसी ने अगर नंबर आने से पहले भी स्टॉक में अगर अपना पोजीशन बनाया हुआ है फिर अच्छे खासे फ्रेज बाइंग क्या होगा, क्योंकि ये स्टॉक आज टॉप लेवल से जैसे मैंने कहा 25 से लेकर 26% डाउन है। तो किसी ने अगर नंबर देखे बिना भी अगर किसी ने फ्रेज बाइंग किया होगा उनके लिए इतना हुआ कि लंबी अवधि के लिए कंपनी ने बहुत कमाल के नंबर दिखा, यहाँ तक कि शॉर्ट टाइम के साथ भी अच्छे नंबर पेंट किया। तो देखते कल के दिन इस नंबर में स्टॉक में कितने मतलब स्टॉक में किस प्रकार के मोमेंटम देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों कल के दिन कुछ भी हो जाए नंबर बेस ने इस बार बहुत ही एक इंप्रेसिव नंबर दिखाया तो उम्मीद है कि स्टॉक में तो गजब की रैली आना चाहिए। तो देखते हैं कल के दिन स्टॉक में हमें किस प्रकार के बहुत किस प्रकार के हमें हलचले देखने को मिलता है। और बाकी इतना जरूर है जिस प्रकार के नंबर दिखा तो इस नंबर को देख के किसी ने अगर टॉप पे खरीदा कल के दिन अगर बहुत बड़ी रैली आती भी नहीं है तो इस नंबर के प्रति आगे आपको कभी ना कभी तेजी आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो अच्छी कंपनी है और नंबर भी बहुत ही कमाल के दिखा है लॉन्ग टाइम के साथ साथ शॉर्ट टाइम के साथ भी। तो उम्मीद है कि कल के दिन स्टॉक में एक अच्छे खासी रैली हो सकता है। तो देखते हैं बट जैसे मैंने कहा कि रिएक्शन कुछ भी हो जाए क्योंकि मार्केट है होने के लिए कुछ भी हो सकता है। मोमेंटम कुछ खास होते भी नहीं है, अगर फ्लैटिसी परफॉर्मेंस होता है इसका अर्थ ये नहीं कि नंबर खराब है, नंबर अच्छे हैं और कल के दिन कुछ भी रिएक्शन हो जाए इस कंपनी के साथ लंबी अवधि के लिए आप जरूर बने रह सकते हो। हाँ किसी के पास है नहीं उनके लिए अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्टॉक को फ्रेज बाइंग करने के बारे में सोच रहे थे पर वो नंबर के लिए वेट कर रहे थे। तो नंबर फाइनली आ चुका है और नंबर ने सिग्नल दे दी कि आप चाहो तो अभी भी स्टॉक को इस नंबर को देखें जरूर आप फ्रेज बाइंग करके चल सकते हो और आपको ये कंपनी अच्छी लगती है। तो बाकी दमदार कंपनी लंबी अवधि में कंपनी आगे आपको और भी अच्छे करते देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो एंजिलॉन लिमिटेड, अगर हम आज के दिन की बात करें तो इन स्टॉक में मतलब बहुत दिनों बाद जाके इन स्टॉक में हमें इस प्रकार का एक जबरदस्त यही देखने को मिला 5% की तेजी। बाकी पिछले 6 मंथ की बात करें तो आज भी ये जो कम बैक स्टॉक ने दिखा है ये जो 5.5% की धमाकेदार रैली स्टॉक ने दिखा तो ये रैली इस गिरावट के सामने मतलब दूर दूर तक आपको नजर भी नहीं आएगा। लेकिन एक अच्छी बात जरूर है जो बॉटम पे स्टॉक गया था मतलब 2000 के आसपास कि इस लेवल मतलब 2000 को ब्रेक डाउन नहीं देना चाहिए, अगर 2000 को ब्रेक डाउन दे देता है तो स्टॉक में और भी गिरावट हो सकता है। तो अच्छी बात है कि मार्केट की रैली के साथ साथ स्टॉक ने फिर से 2000 के लेवल से एक बहुत ही जबरदस्त बाउंस बैक दिखाया और अभी भी देखा जाए तो स्टॉक को जो मोमेंटम है वो हमें थोड़े बहुत नेगेटिव भी देखने को मिला। ऐसे नहीं कि एक दिन में स्टॉक में रैली आया तो पूरी तरह से माहौल बन चुका है मतलब पूरी तरह से पॉजिटिव माहौल बन चुका है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टॉक जब तक ये जो 2500 के इंपॉर्टेंट लेवल है जब तक 2500 को ब्रेकआउट दे नहीं पाता है उसको ब्रेकआउट देने के बाद जब तक सस्टेन नहीं करता है तब तक ऐसा मतलब जब तक ये 2500 के नीचे है तब तक ऐसा बोल सकते हो स्टॉक में एक नेगेटिव मोमेंटम बना हुआ। मतलब कभी भी अगर मार्केट में आगे प्रेशर आता है गिरावट होता है तो ये स्टॉक में फिर से आपको इस लेवल से और भी जबरदस्त गिरावट आ सकता है। लेकिन जब ये 2500 के लेवल को ब्रेकआउट देगा उसको बस सस्टेन करेगा तब जाके हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक तरफा गिरावट वाले मोमेंटम बना हुआ था वो थोड़े से ढल चुका है और इस 2500 के लेवल से आगे और भी धीमे धीमे करके रिकवरी आ सकता है। बाकी कंपनी दमदार है, किसी के पास है खास करके किसी ने स्टॉक को टॉप पे खरीदा जो 4000 के आसपास टॉप बनाए थे 3500 मतलब जिसने अगर टॉप पे खरीदा उनके लिए इतने का चाहूंगा अगर आप लंबी अवधि बने रहोगे तो लंबी अवधि में कंपनी टाइम लग सकता है धीमे धीमे आपको रिकवर करते हुए देखने को जरूर मिले। कंपनी बिजनेस बाय बिल्कुल भी खराब नहीं बट जो माहौल है वो मोमेंटम आपको समझ में आना चाहिए। जिस प्रकार के इनके बिजनेस के ऊपर जिस प्रकार के सेबी के साइड से लगातार अटैक हुआ है तो उनके चलते आने वाले टाइम में कंपनी के जो नंबर है वो थोड़े से डाउनग्रेड आने वाले हैं और उसके चलते पहले से ही स्टॉक में एक तरफा गिरावट देखने को मिला बट कंपनी अच्छे तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आगे आपको जरूर अच्छे बिजनेस करते हुए आपको देखने को मिल सकते। तो है आपके पास अब जरूर चाहते हो इस कंपनी के साथ लॉस में भी बने रहे तो किसी के पास है नहीं और किसी को ब्रोकिंग स्टॉक में जाना ही है तो लिस्टिंग के हिसाब से सबसे बेस्ट कंपनी एक ही है एंजिलॉन लिमिटेड। तो जरूर चाहते हो इतनी बड़ी गिरावट है अब जरूर चाहते हो इसके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हो और आपको ये कंपनी अच्छी लगती है तो बाकी कंपनी अच्छे जिनके पास भी अब जरूर इसके साथ लंबी अवधि के लिए बने